नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ चैनल से आपका दोस्त फिर आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज एक ऐसे शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ जो हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट की पूरे की, और शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आउटस्टैंडिंग रही। आज हम उनके प्रिंसिपल महोदय अनिल कुमार जी से जानेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न उनसे करेंगे कि एक ऐसा आउटस्टैंडिंग यहाँ टूर्नामेंट होने जा रहा है, चैंपियनशिप होने जा रही है, खो खो नेशनल CBSE चैंपियनशिप, उसके बारे में जानेंगे। हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। CBSE से एफिलेटेड है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ सभी स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स फैकल्टी और ह्यूमैनिटी ग्रुप की सभी, यानी कि ये तीनों फैकल्टी यहाँ है। आउटस्टैंडिंग बच्चे रहते हैं एकेडमिक में भी और स्पोर्ट्स में भी। स्पोर्ट्स में इनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रही कि ये 2017 के अंदर CBSE नेशनल के चैंपियन भी रहे यहाँ की लड़कियाँ अंडर 17 में, और उसके बाद इन्होंने 2018 में यहाँ क्लस्टरल खो खो चैम्पियनशिप करवाई, जो बहुत ही यानी कि इस एरिया के लिए एक अपने आप में अचीवमेंट रही और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे क्लस्टर के लिए ये स्कूल की पहचान बनी कि भी ये स्पोर्ट्स में भी अपने आउटस्टैंडिंग स्कूल है। हम जानते हैं अनिल कुमार जी से कि एक बहुत एक एकेडमिशियन है, एक शिक्षाविद हैं अनिल कुमार जी, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इनसे जानते हैं कि आप शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इतना कुछ करते हैं, तो ये कैसे प्रेरणा मिली और किन की प्रेरणा से ली? आपके बच्चे भी बड़े आउटस्टैंडिंग और इस बार क्या करवाने जा रहे हैं? अनिल कुमार जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ मीडिया पर। मैं हांसी की आवाज़ की मीडिया में पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे बीच में आप आए हैं हांसी की आवाज़ से, तो स्वागत है आपका यहाँ स्कूल की तरफ से। राजीव बंसल जी, अजय सैनी जी, सर स्वागत, हमने आपका कबूल किया। हम आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप 2017 में नेशनल चैंपियन रही आपकी बच्चियां स्कूल की, 2018 में आपने क्लस्टर टूर्नामेंट करवाया खो खो का, खो खो चैंपियनशिप, यानी कि इस बार आप नेशनल चैंपियनशिप करवाने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा यानी कि स्पोर्ट्स मेला होगा, सम्मेलन होगा, बहुत स्पोर्ट्स का आप कहें कि भी एक अपने आप में कॉन्ग्रीगेशन होगा। तो ये यानी कि कितनी टीमें आ रही हैं, कितनी टीमें भाग ले रही हैं नेशनल टीम्स का, CBSE का जो है, आप जरा विस्तार से बताएं हमें। बंसल जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा स्कूल 2017 के अंदर CBSE एफिलिएटेड हुआ था जी, और जब CBSE एफिलिएटेड होता है तो उसके बाद हम गेम में जाते हैं, और उस गेम में जो हमारे पास टीम थी खो खो की, वो हम गेम के अंदर क्लस्टर के अंदर खिलाई 2017 के अंदर। और जब 2017 में पहली बार हम CBSE में खेलने के लिए गए, तो उसमें हम अंडर 17 जो गर्ल थी हमारी, वो हमारी चैंपियन बनी, जो नोएडा के अंदर नेशनल गेम हुआ, तो उसमें वहाँ हम विनर रहे। और तभी से हमारे मन में एक हौसला आ गया कि हम गेम के प्रति हमारी दिलचस्पी बढ़ी, ओनली खो खो के अंदर जा। जी जी जी। उसके बाद अगले वर्ष हम CBSE ने हमारे को होस्ट, क्लस्टर होस्ट करने के लिए होस्ट किया, क्लस्टर होस्ट किया, और क्लस्टर होस्ट की परमिशन दे दी गई कि आप गेम करवाइए। तो जब हमने गेम करवाया, क्लस्टर होस्ट किया, तो उसके अंदर बहुत अच्छा लगा, पूरे हरियाणा की, लगभग पूरा हरियाणा की टीमें आई हुई थी। तो इस बार आप ये नेशनल करवा रहे हैं? हाँ। इसमें कितनी टीमें आएंगी? इसके अंदर जब नेशनल है तो ऑल इंडिया की टीमें हैं, CBSE के अंदर 20 क्लस्टर हैं। हाँ। और एक क्लस्टर से चार टीमें निकलती हैं। हाँ। जो प्रथम रहती हैं, जिसमें अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स और अंडर 19 बॉयज, ठीक है, तो टोटल 80 टीमें होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो 8 टीमें हैं विदेशी टीमें भी आ रही हैं। 8 टीमें जो इंडियन स्कूल है CBSE के विदेशों के अंदर हैं,
वो भी आने लग रही है। खो खो का महाकुंभ साल होगा यहाँ। ये जो खो खो का खेल है साउथ के अंदर सबसे पॉपुलर खेल है। साउथ के अंदर काफी है और साउथ की सभी टीमें आने लगी। अच्छा अच्छा, हाँ। यानी कितने स्टेट से टीम पहुँच रही है यहाँ? पूरी इंडिया से टीमें आ रही हैं और 80 टीमें इंडिया की हैं, 8 विदेशों की हैं और 3 टीम हमारी जो होस्ट करते हैं। विदेशों में वो कोई कंट्री बताएंगे मुझे कौन कौन से कंट्री से आ रही है? हाँ, ओमान, सऊदी अरब, हाँ। और आबू ताबू है और दुबई। आपने क्या क्या तैयारियां करवाई हैं इसकी विशेष, यानी कि 9 से 15 तक आपका चलेगा ये? 9 से 15 तक को, 8 को तो इनकी कंफर्मेशन है, रिपोर्टिंग हो जाएगी टीम। ठीक है, जितनी है। भी टीमें आती हैं तो उनके लिए 8 तारीख को ही रिपोर्ट करनी होती है। शाम को उनकी ऑफिशियल मीटिंग होती है और उनके जो ठहरने का अरेंजमेंट है बॉयज का तो स्कूल के अंदर किया है, गर्ल्स का 2 धर्मशालाएं बुक करी हैं, ठंडी राम वाली धर्मशाला और पंचायती धर्मशाला, 2 धर्मशाला वहाँ गर्ल्स रहेंगे हमारे पास। और जो CBSE से हमारे को चीफ गेस्ट हैं एस दारूनी जी, हमारे 9 तारीख को 10 बजे ओपनिंग करेंगे। इस तरह जॉइंट सेक्रेटरी, हाँ, जॉइंट सेक्रेटरी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, हाँ, CBSE की जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो 9 तारीख को 10 बजे। और उसके साथ और कौन है अध्यक्ष, कौन है उसके? उसके साथ हमारे जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर गेस्ट ऑफ ऑनर, हाँ, जो हांसी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर सुभाष वर्मा जी हैं और DSP हांसी रोहतास सियाग जी हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान कुंडू जी। अच्छा, ये कोर्स बनाई है आपने यहाँ, पूरा दिखा रहे हैं ग्राउंड पिच देख रहे हैं, तो यहाँ बराबर पहले लीग मैचेज होंगे, उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल, फिर फाइनल, इस तरह की कुछ ऐसा? हाँ जी, जो हमारे पास 9 तारीख से लीग मैच स्टार्ट होंगे और 4 दिन लीग मैच चलेंगे, 4 दिन लीग मैच के हर टीम को 4-4, 5-5 अवसर मिलेंगे खेलने के लिए और उसमें उनके पॉइंट लगेंगे और जो पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उनको फिर सेमीफाइनल फाइनल में भाग। यानी ये क्लोजिंग कब है? 15 तारीख की, 15 तारीख को क्लोजिंग। बीच में गेस्ट आते रहेंगे? हाँ, गेस्ट आते रहेंगे बीच के अंदर, हर डे प्रत्येक दिन कोई न कोई चीफ गेस्ट रहेगा। ये अनिल कुमार जी ने बताया कि 9 से 15 तक यानी कि CBSE नेशनल खो खो चैंपियनशिप यहाँ दोबारा से होने जा रही है। पहले क्लस्टर थी, इस बार नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है। इसमें 91 टीमें भाग लेंगी, 8 विदेशी टीम होंगी और 80 यानी कि पूरे इंडिया से टीमें भाग लेंगी। अंडर 17, अंडर 19, गर्ल्स एंड बॉयज, यानी कि एक अपने आप में खो खो महाकुंभ होगा। CBSE का पूरा वर्ल्ड वाइड यानी कि स्कूल्स हैं, गल्फ कंट्रीज के अंदर भी इनके स्कूल्स हैं, ओमान जैसे बताया, ओमान है, आबू धाबी है, अन्य दुबई है, ऐसे स्कूलों के बच्चे जो होनहार बच्चे हैं जो अपने अपने क्लस्टर के चैंपियन रहे होंगे वे सारे के सारे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ एक महाकुंभ के रूप में स्कूल के अंदर फिर से खो खो का एक रंग देखने को मिलेगा। एक स्पोर्ट्स को यानी कि बढ़ावा देने के लिए खेल की, हरियाणा खेल की भूमि रही है, यहाँ पहलवान दिए हैं हमारे अजय सैनी जी जो मेरे डायरेक्टर हैं हांसी की आवाज़ की, वे खुद भी एक अच्छे पहलवान रहे हैं। और साथ साथ यानी खो खो जो साउथ का गेम माना जाता था, हरियाणा की यानी कि इस धरती पर, इस भूमि पर यहाँ खो खो का बड़ा लोगों को इंटरेस्ट रहता है, बच्चों में भी इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्यों ना जागे। जब एक हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो बच्चियां हैं जो नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं, तो मैं अनिल जी को बधाई देता हूं कि भी ऐसे आप पहले क्लस्टर लाए, अब नेशनल यानी कि ये चैंपियनशिप यहां लाए हैं, तो वाकई ही आपकी यानी शिक्षा के साथ साथ आपकी स्पोर्ट्स में, खेल में, क्रीड़ा के अंदर वाकई रुचि है। और ये महाकुंभ 9 से 15 तारीख तक का चलेगा अनिल जी? चलेगा। और हमें आपकी वो ट्रॉफी दिखाएँ और वो बच्चे दिखाएँ, आप चलते हैं, चलो एक बार। देखिए सामने बिल्कुल यानी हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो एडम ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ये प्रिंसिपल साहब यहाँ खड़े हैं और ये एक फ्लैग नज़र आ रहे हैं चारों तरफ, इस बात को इंगित करता है कि
नेशनल खो खो चैंपियनशिप की तैयारियां चल रही हैं, यहाँ कहीं पृष्ठभूमि के बैनर लगाए जा रहे हैं, कहीं यहाँ कोर्ट्स के अंदर चूना डाला जा रहा है। 9 तारीख को यानी कि नेशनल चैंपियनशिप का एक महाकुंभ शुरू होने जा रहा है CBSE का, जो हिंदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल वन ऑफ द लीडिंग स्कूल माना जाता है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ की बच्चियाँ जो हैं कि नेशनल चैंपियन रह भी चुकी हैं अंडर 17, हम उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और स्कूल के दिखा रहे हैं कि चारों तरफ ये देवदार के किनार के वृक्ष हैं, ये अपने आप में एक खूबसूरत मान लग रहा है, बड़ा खूबसूरत सा ये जो पार्क नज़र आ रहा है, यहाँ ग्रीनरी है, ये सब मेहनत का फल है। यानी कि एक प्रिंसिपल जो अपने आप में एक बहुत कुछ होता है स्कूल का, तो वो यहाँ की आबो हवा को अच्छी रखता है, नेचर को अच्छी रखता है, ताकि बच्चों को प्रदूषण से बचाया जा सके, ऐसा ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो शिक्षा मॉरल शिक्षा देते हैं, वर्चुअली मॉरल शिक्षा दी जाती है, नैतिक शिक्षा स्कूल के अंदर, तो स्पोर्ट्स पे भी उतना ही इम्फेसिस किया जाता है। तो आज हमने यानी कि अनिल कुमार जी से सारी बातें की हैं, यहाँ शिक्षा के जानते हैं इनसे चलोनी से कि यहाँ आप स्पोर्ट्स के साथ साथ इन बच्चों को मॉरल एजुकेशन भी देते हैं यहाँ। बिल्कुल, सुबह जो हमारी प्रेयर होती है असेंबली के अंदर, हर बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, वो 15 मिनट योगा करवाया जाता है बच्चे के लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने के लिए और माइंड को ग्रोथ करने के लिए, उनकी मानसिक ग्रोथ करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज एक्टिविटी होती है। मुझे नज़र आ रहा है, दूर से देख रहा हूँ मैं कि छोटी छोटी ये बच्चियाँ जो हैं अंडर 17 जो जो ये नेशनल चैंपियन रही है आपके वो बच्चे वो टीम, ये आइए उस टीम के सदस्य भी होंगे कुछ इसमें एक कदम, और ये सभी वही टीम है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भी आज हमारे बीच मैं बिल्कुल खड़ा हूँ इस ट्रॉफी के, आइए और ट्रॉफी और इन बच्चों के साथ जो हम खड़े हैं, ये ट्रॉफी 2017 में, थोड़ा सा आगे ले लीजिए सर, 2017 के अंदर जो आपने जीती थी यानी कि नोएडा के अंदर जो हुआ था नेशनल चैंपियनशिप हुई थी खो खो की, अंडर 17 बच्चे थे ये, तो कैसा लगा उस टाइम ये सर? उसी समय हमारे पास हौसला उपजाई हो गया था कि जो हम नेशनल जीत गए पूरे देश के अंदर, एक ही छोटी गुड़िया है पूजा, आइए बेटे पूजा, पूजा इसने आबू ताबू को 08 से हराया, 08 से आबू ताबू यानी विदेशी विदेशी को, और जो विदेशी लड़कियां थी वो बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां थी, और जब हमारी ये छोटी छोटी गुड़िया वहां गई तो इन्होंने ऐसा लगा कि ये लड़कियां तो जो हरियाणा से आई हैं तो इनका तो कहीं नंबर नहीं आएगा जिस तरह, लेकिन जब इनको ये देखा गया कि एक पारी के अंदर एक भी आउट नहीं हुई, एक भी आउट, तुम बहुत थोड़ा सा कमजोर सी नजर आ रही हो, कुछ खाती पीती भी हो या खो के अंदर पतला ही रहना होता है जरूर, कैसे आपने पॉइंट नहीं आने दिया वहाँ पे, कैसा लगा आपको बताइए। अच्छा, ये हमारे कोच साहब हैं, आइए कोच साहब, आइए कोच साहब, कौन डीपी मैडम, आप भी आ जाओ डीपी मैडम, उड़न आता है। तो ये हमारी हरियाणवी भाषा भी है, तो कैसी तैयारी करवा रखी है आपने बच्चों की? सर बढ़िया तैयारी है बच्चों की, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर नविता। नविता, आप खो खो बच्चों को खिलाती हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, योगा के लिए ज्यादा है, योगा प्लस खो खो। डीपी सर कहाँ फॉर्मल आ गया, बंद कर दो सर एक बार। तो सर ये कैसी तैयारियां इस बार भी, आपको कुछ होप है कि आपके स्कूल के बच्चे यानी कि नेशनल चैंपियनशिप में, यानी कि? सर आशाएं हैं हमारे को कि हमारी टीम दोबारा फिर विनर होगी, क्योंकि जो ये हमारे पास अंडर 17 बॉयज और गर्ल्स की टीम है, एक महीने से कैंप लगा हुआ है स्कूल के अंदर। अच्छा। और इसी ग्राउंड के ऊपर ये खेल रहे हैं और इसी ग्राउंड पर नेशनल होना है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी होगी हमारी, तो लेकिन ये नहीं कह सकते कि चैंपियनशिप हमारी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन हमें विश्वास है। तो दूसरी स्टेट में जाके चैंपियनशिप हासिल कर ली, अपने अपने ओन जगह पे आपको बड़ा हौसला होगा इन बच्चों को, अपने ही ग्राउंड के अंदर आप नेशनल चैंपियनशिप में खेलने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी सर। पिंकी बेटे, आपका? प्रीति सर। आपका? कितनी उम्मीद है कि तुम इस बार नेशनल चैंपियन बनोगे पिंकी, तू बताओ भाई? पूरी उम्मीद है सर। पूरी उम्मीद है। अच्छा, तो क्या रेडर हो या क्या हो आप? ये रनर है। रनर है। कब कैसे करते हो?
ऐसे बोलते हो? यस सर। खोगो खोगो कितनी देर का होता है गेम? नौ मिनट का होता है। डीपी साहब, हाँ आपने ये बच्चे तैयार करवाए? हाँ सर। हैं? हाँ। और कुछ दायित्व तो भी आपके अंदर है कि भी नेशनल चैंपियनशिप आपके स्कूल में होने जा रही है, आपको भी जिम्मेवारी दी होगी प्रिंसिपल साहब ने कुछ? हाँ, यस सर। और बच्चे भी तैयार करवाए? हाँ। कैसे टीम तैयार हुई है? हमारी एक नंबर की टीम तैयार हुई। एक नंबर की पोजिशन पक्की सर हमारी। हाँ बाबा। हाँ हाँ दमादम जीतोगे? जीतेंगे। फिर हाँ बिल्कुल सर। क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, लीजिए सर हम इसको समापन की ओर लिए चलते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। अनिल कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खड़े हैं, जहाँ 9 से 15 तक यानी कि खो खो नेशनल गेम चैंपियनशिप CBSE की होने जा रही है, जिसमें फिर मैं बता दूँ कि 91 टीम्स भाग लेंगी, 8 विदेशी टीमें होंगी और बाकी अपने इंडिया की होंगी, पूरे स्टेट के अंदर यानी कि यहाँ टीमें आएंगी। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका ये जो चैंपियनशिप है, आपका ये टूर्नामेंट है, सफल हो और ये महाकुंभ जो खो खो का आपने शुरू करवाया है इसी तरह परवान चढ़ता रहे, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये छोटे छोटे बच्चे जब देखेंगे कि भी खो करते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, रेड करते हैं, पकड़ते हैं, तो इनका देखने वाला ही एक समा सा लगता है। इन बातों के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से पूरे हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पूरे प्रबंधक समिति को, प्रिंसिपल साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि 9 से 15 तक का आपका ये महाकुंभ सफल हो और बहुत यानी कि ऊंचाइयों को छुए आपका स्कूल, मेरी शुभकामनाएं है। मैं मेरे सीनियर साथी अजय सैनी जो एडिटर हैं उनके साथ और विजेंद्र के साथ फिर शुभकामनाएं देता हूं। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, लेकिन एक बात आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे हंसी की आवाज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, फिर हम आपके टूर्नामेंट की पूरी कवरेज आपको देंगे। तब तक के लिए नए हम फिर हाजिर होते हैं 9 तारीख को खो खो की चैंपियनशिप में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार।